Hi, I am back. आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं? मन ही मन आप अपने खुद के बारे में इतनी सारी बुरी बातें बोलते हैं कि अगर उन्हें कहीं पेपर पे लिख दिया जाए और उसे कोई और पढ़ ले तो वो बेहोश हो जाएगा। ऐसा होता है आपके साथ? आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि आपको ऐसा करना है कि जो भी दिन भर में आप खुद के बारे में सोचते हैं वो आपको किसी पेपर पर लिखना है। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप मोबाइल में नोट्स में जाकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन याद से आपको करना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए और हर 15 मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद आपको एक रिमाइंडर अलार्म बज जाए, जिससे कि आप उस टाइम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में वो आपको कहीं पर लिखना है। आपको ये सिर्फ 24 घंटे करना है, जितने टाइम आप जाग रहे होंगे उस टाइम पे ही करना है। और इससे आप एक चेक कर सकते हैं कि आप खुद के बारे में कैसा सोचते हैं। इससे पता चलेगा कि क्या आप खुद को प्यार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता कि हम सच में सेल्फ लव करते भी है या नहीं। आप अपने आप के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसे बार बार खुद को याद दिलाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि देखो उस टाइम ये गलती हुई थी और तुमसे अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप खुद को हमेशा ये कहते रहेंगे कि 2018 में तुमसे ये गलती हो गई थी, 2023 में अब जब तुम ये काम करने जा रहे हो तो फिर से यही गलती होगी, तो फिर इस तरह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर उस माँ की तरह जो माँ अपने बच्चे को कहती है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, उस टाइम गलती हो गई थी क्योंकि तुम नए थे, लेकिन अब जब तुम उसी काम को दोबारा करने की कोशिश करोगे तो अब वो काम हो जाएगा क्योंकि अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, अब तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। इस तरह से अगर आप खुद से बातें करेंगे तो आप खुद को प्यार दे सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर से कई बार प्यार नहीं मिलता। बाहर से कई बार लोग हमें उतना प्यार नहीं दे पाते जितना कि हमें ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद को प्यार करना सीखें और उसके बाद ही हम किसी और से इसकी उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं तो आप ये काम और कर सकते हैं कि आप रोज रात को सोने से पहले अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं या जिनके लिए आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, उनके बारे में लिख सकते हैं। मेरे एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करती हूँ, जिसमें मैंने एक बॉटल के अंदर वो चीज़ें डाली थी और वो मैंने जेन्युइनली किया था एक एज पे। अगर आप भी उस चीज़ को करते हैं तो यकीन मानिए इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है कि आज मैंने BMW खरीद ली इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आप बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि आज सुबह जब मैंने अपने खुद के लिए चाय बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ था, या जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया था तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। इस तरह की कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि जब आप लिखने बैठते हैं तो आपकी जो राइटिंग है उसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबकी राइटिंग अच्छी हो, किसी की राइटिंग डॉक्टर वाली भी होती है, पर आप हाँ इस तरह की बहुत बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हैं। यकीन मानिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि सच में बहुत अच्छी होंगी, लेकिन क्योंकि हम इतना कुछ कंपेयर कर रहे होते हैं कि पड़ोसी के बेटे ने ये कर लिया, पड़ोसी की बहू ये करके ले आई, इस वजह से हमारी लाइफ में जो अच्छा हो रहा होता है हम उसे मिस कर देते हैं। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ में अच्छी होते हुए भी आप उसे मिस कर रहे होते हैं या आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी लिखिए जो कि आप जिनकी वजह से आपके चेहरे पर खुशी आई हो, आप मुस्कुराए हो, सिर्फ उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं और उसके बाद गुड नाइट बोलकर सो सकते हैं। उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर फिर से लॉग इन करने की या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप सेल्फ लव बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।